नमो नमः मित्रों, ई लर्निंग विथ दुर्गेश में आपका स्वागत है। आज मैं सुदर्शन यादव और आज मैं आप लोग के बीच में लेके आया हूँ संस्कृत भाषा शिक्षण विधेयक, यानी संस्कृत भाषा शिक्षण विधेयक आप लोग के सामने हम बताएंगे। सीटेट में यहीं से संस्कृत शिक्षण है तो यहीं से ज़्यादा करके पूछा जाता है, शिक्षण में 15 नंबर का पूछा जाता है। तो ये ऐसा एक ऐसी संस्था ये है, ये हमारा ये ई लर्निंग विथ दुर्गेश, जहाँ पर ये संस्कृत में ही आप लोग को जो है आप लोग को शिक्षण बताया जाएगा, क्योंकि सीटेट में संस्कृत में ही प्रश्न पूछा जाता है, हिंदी में नहीं पूछा जाता है। और शायद ही कोई ऐसा बताया होगा, ये पहली बार है जो कि आपको संस्कृत में ही सुनने को मिलेगा। और आप कंठस्थ करिए और याद करिए, याद करके उसके बाद आप संस्कृत में अच्छा सा अंक लाने का प्रयास करिए। तो हम सबसे पहले चलते हैं कि संस्कृत शिक्षण भाषा में आज मैं क्या पढ़ाऊँगा, क्या पढ़ा जा सकता है सीटेट में, क्या पढ़ा जाए कि ताकि संस्कृत में अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम चलते हैं संस्कृत भाषा शिक्षण विधेयक। संस्कृत भाषा शिक्षण विधेयक है, यानी संस्कृत भाषा शिक्षण। तो इसमें सबसे पहले हम क्या मुझे पढ़ना है उसको हम बता देते हैं। पहले हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, अगर संस्कृत शिक्षण लिया तो संस्कृत का जो थोड़ा सा संस्कृत में कौन सा उपसर्ग है, कौन सा धातु है और कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, उसको भी थोड़ा सा हम जानते हुए, और उसके बाद जो है ये संस्कृत जो है एकदम प्राचीन सर्वेस कह रहे हैं कि संस्कृत भाषा विश्वस्य, संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषेषु प्राचीनतम वर्तते, यानी कहते हैं कि संस्कृत भाषा जो है सबसे प्राचीन भाषा है, संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। और इसमें क्या पढ़ा जाएगा, सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले तो शिक्षण पढ़ेंगे। शिक्षण के बाद जो है शिक्षण में आने, शिक्षण किसे कहते हैं, शिक्षण विधि प्रविधि और तकनीकी क्या का आधारित होते हैं, ये कह रहे हैं शिक्षण साफल्य से विधि, शिक्षण साफल्य से विधि और तकनीक्यायाम आधारम अस्ति, यानी कह रहे हैं कि शिक्षण, अब कहते हैं कि पहले सबसे पहले हम शिक्षण पढ़े, संस्कृत के बाद हम पहले शिक्षण पढ़ लेते हैं, और उसके बाद शिक्षण जान लेने के बाद उसके बाद हम पढ़ते हैं विधि, विधि पढ़ेंगे, विधि के बाद हम पढ़ेंगे प्रविधि, विधि शिक्षण में, ये शिक्षण में ही आ रहा है कि हमारा शिक्षण कैसे समय, शिक्षण में कैसे सफलता प्राप्त करूं, शिक्षण में यानी कह रहे हैं कि हम संस्कृत शिक्षण में कैसे सफलता प्राप्त करूं। तो इस सफलता को प्राप्त करने के लिए साफल्यम, यानी कह रहे हैं कि शिक्षण में हम संस्कृत शिक्षण में कैसे सफलता प्राप्त करूं, तो इनका जो जानकारी होना जरूरी है। कह रहे हैं कि जैसे शिक्षण, शिक्षण में है तो विधि प्रविधि और तकनीकी, विधि और प्रविधि और तकनीकी, ये चीज़ें कह रहे हैं कि ये चीज़ें शिक्षण में आपको अति आवश्यक है। जब अगर शिक्षण को सफल बनाना है, अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाना है कक्षा में, तो सबसे पहले हमको इस शिक्षण के बारे में जान लेना जरूरी है। और उसके बाद जो है हम जब क्रमशः विधि और प्रविधि और तकनीकी क्या है जब जान लेंगे, और जान करके जब हम शिक्षण में इसका प्रयोग करेंगे तो हमारा शिक्षण प्रभावशाली होगा। यदि हम इन चीज़ों को नहीं जानते हैं, अगर इन चीज़ों से नहीं परिचित है, तो हमारा शिक्षण प्रभावशाली हो ही नहीं सकता। अगर इन शिक्षणों को जान लेते हैं तो आपका यूपीएससी टेट में जो शिक्षण है और शिक्षण से पूछे गए प्रश्नों को आसानी तरीके से आप जो है आसानी तरीके से सही उत्तर दे सकते हैं। अब इसके बाद ये शिक्षण के बाद आज मैं बता दे रहा हूँ, आज के लिए मैं इतना बता दे रहा हूँ क्या पढ़ना चाहिए सीटेट में। तो उसके लिए मैं ये पहले आपके शिक्षण में जो विधि है, प्रविधि है, तकनीकी है, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद आता है शिक्षण सूत्र, यानी कह रहे हैं तब इसके बाद हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, शिक्षण सूत्र पढ़ेंगे। और शिक्षण सूत्र में, शिक्षण सूत्र के बाद कह रहे हैं कि शिक्षण सूत्र है क्या, थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं शिक्षण सूत्र है क्या। और शिक्षण सूत्र क्या है, सूक्ष्म यु भवति यदि अध्यापक, कह रहे हैं सूक्ष्म यु यानी सूक्ष्म यु, और कह रहे हैं सूक्ष्म यु
भवती अध्यापक है, भवती अध्यापक है, सम ज्ञानेन छात्रस्य है ज्ञानम केंद्रीय क्रियते, कह रहे हैं कि तदह सूक्ष्मयु, तदह सूक्ष्मयु, और कहते भवती तद सूक्ष्मयु भवती, और कह रहे हैं कि यद अध्यापक है, यद अध्यापक है, यद अध्यापक स्वयं ज्ञानेन, करहे स्वयं ज्ञानेन छात्र से ज्ञानम, स्वयं ज्ञान से छात्र ज्ञानेन, यानी छात्र ज्ञान केंद्रित क्रियते, यानी केंद्रित करते हैं, कर रहे हैं कि स्वयं ज्ञान से, कह रहे हैं कि स्वयं ज्ञान से, और शिक्षक के शिक्षार्थी के जो ज्ञान है, छात्राणाम यानी छात्रस के जो ज्ञान है, उस ज्ञान को क्या करते हैं, केंद्रित करते हैं, इसी को शिक्षण सूत्र कहा जाता है। और शिक्षण सूत्र में कौन कौन से भाग है, सबसे पहले होता है शिक्षण सूत्र में, ये शिक्षण सूत्र का मैंने शाब्दिक अर्थ बता दिया कि ये शिक्षण सूत्र है, अब इसके आगे हम शिक्षण विधियाँ पढ़ेंगे, लेकिन शिक्षण सूत्र में क्या क्या पढ़ना है उसको भी हम लोग जानकारी ले लेते हैं। कहते हैं कि सरल, करें सरलात काठिन्यम, करें सरलात, सरलात काठिन्यम, करें सरलात काठिन्यम, करें सरलात काठिन्यम, यानी करें कि सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर। कहते हैं शिक्षण सूत्र में सबसे पहले ये जो है सूत्र है, सबसे पहले सूत्र ये सरलात काठिन्यम, यानी सरल से किसके ओर, सरल से काठिन्य की ओर। अब कहते हैं कि फिर अब दूसरा है शिक्षण सूत्र, दूसरा शिक्षण सूत्र है कि कह रहे हैं कि ज्ञातात ज्ञातम, कह रहे हैं दूसरा है ज्ञातात ज्ञातम, ज्ञातात ज्ञातम, यानी ये शब्द हिंदी में आपको मिलेगा, लेकिन मैं संस्कृत में बता रहा हूँ, जो थोड़ा बहुत संस्कृत जान रहे हैं और वो तो बड़े आसानी तरीके से इसको पकड़ लेंगे, बट जो नहीं जान रहे हैं उसके लिए मैं हिंदी में भी अनुवाद कर रहा हूँ, वो जानने के लिए प्रयास करें, और शिक्षण अगर संस्कृत लिए हैं तो शिक्षण आपको अनिवार्य है, आना जरूरी है। तो हम शिक्षण सूत्र पढ़ें सरलात काठिन्यम, यानी सरल से कठिन की ओर, और करें कि दूसरा है ज्ञात अज्ञातम, यहाँ देखिए अज्ञात तो है नहीं, आ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ज्ञातात ज्ञातात ज्ञातम, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी शिक्षण सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर। और उसके बाद है तीसरा है शिक्षण सूत्र आपका, शिक्षण सूत्र है पुरुरात अंशतः, करही कि पुरुरात पूर्णात अंशतः, यानी पूर्ण से, यानी हिंदी में भी जानकारी ले लेते हैं कि पूर्णात पूर्णात सतहम, कह रहे हैं कि पूर्ण से अंश की ओर, यानी कहते हैं कि पूर्ण से अंश की ओर, कहने पूर्णात अंशत, यानी कह रहे हैं पूर्णात अंशतः, यानी पूर्ण से अंश की ओर, ये कह रहे हैं कि ये शिक्षण सूत्र का तीसरा पॉइंट है, तीसरा सूत्र है कि पूर्णात अंशतः, यानी पूर्ण से अंश की ओर। और अगला है पॉइंट, इतना समझ में आ गया होगा, जो पढ़ना है इसी टेट अगर निकालना है तो इतना जरूर पढ़ लीजिएगा, और शिक्षण को अगर प्रभावशाली बनाना है तो ये तीनों को जरूर आप याद करिए और विशेष रूप से अध्ययन करिए। और इसके बाद शिक्षण सूत्र, शिक्षण सूत्र पढ़ने के बाद जो शिक्षण सूत्र है, आपको कुछ पॉइंट मैंने बता दिया, अब इसके बाद हम और बता रहे हैं विशिष्टात सामान्यम, विशिष्टात सामान्यम, लास्ट पॉइंट है पूरा विशिष्टात सामान्यम, कह रहे हैं विशिष्टात सामान्यम, यानी विशेष से, कह रहे हैं कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। अब हम विशिष्ट से सामान्य की ओर बहुत लोग जानते होंगे, संस्कृत में विशिष्ट से सामान्य की ओर, तो हम थोड़ा सा अर्थ बता देते हैं आप लोग को कि है क्या विशिष्ट से सामान्य। कह रहे हैं कि विशिष्ट अर्थ उदाहरणम भवति, यानी विशिष्टार्थ उदाहरणम भवति, यानी विशिष्ट का अर्थ होता है उदाहरण, कह रहे हैं विशिष्ट का अर्थ होता है उदाहरण, उदाहरण। और कहते हैं कि तथा सामान्य अर्थ, यानी कह रहे हैं सामान्य अर्थ, कह रहे हैं सामान्य अर्थ नियम भवति,
यानी सामान्य का अर्थ होता है नियम, यानी विशिष्ट का अर्थ होता है क्या उदाहरण, और सामान्य का अर्थ होता है क्या नियम। तो क्या रहेंगे शिक्षण विधि का जो ये अगला सूत्र है, अगला सूत्र है शिक्षण सूत्र का। अब अगला पॉइंट हम आपको बताते हैं सामान्यात विशिष्टाद। सामान्याद, सामान्यात कह रहे हैं कि सामान्यात, यहाँ द भी कर सकते हैं और त भी कर सकते हैं, सामान्यात। और फिर उसके बाद विशिष्टात कह रहे हैं कि बी सी टाद, कह रहे हैं सामान्यात विशिष्टाद, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर। और यहाँ क्या हुआ है विशिष्ट से सामान्य की ओर, और यहाँ अगला सूत्र है सामान्यात विशिष्टात, कह रहे हैं कि सामान्य से विशिष्ट की ओर। यह शिक्षण विधि का था। अब अगला है प्रत्यक्षात प्रत्यक्षम, कह रहे हैं अगला विधि है आपका प्रत्यक्षात अप्रत्यक्षम, प्रत्यक्षाम प्रत्यक्षाम, और करे अप्रत्यक्षम अप्रत्यक्षम, करें कि प्रत्यक्षाम अप्रत्यक्षम, यानी प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। और कहते हैं अगला है विश्लेषणार्थ, कह रहे हैं अगला पॉइंट है आपका, कहते हैं विशेष, कह रहे हैं कि विश्लेषणार्थ बी स, कह रहे हैं कि विश्लेषणार्थ यानी विशेष विश्लेषण से अर्थ, ये है पॉइंट ही, करें कि विश्लेषण विश्लेषण से अर्थ है, करें कि यह है, करें कि विश्लेषण की, करें इसका अर्थ होता है कि पूर्णात अंश प्रति, पूर्ण से अंश की ओर। अब आते हैं कि अब अगला है मनोविज्ञान, अगला पॉइंट आपका है शिक्षण सूत्र में, ये कहते हैं कि मनोविज्ञानात तार्किक प्रति, करें मनो मनोविज्ञान, करें विज्ञानात तार्किक, मनोविज्ञान तार्किकम प्रति, ये कहते हैं मनोविज्ञान तार्किकम प्रति, यानी कहते हैं कि मनोविज्ञान के मनोविज्ञान से तार्किक की ओर। और उन्होंने कहा कि कह रहे हैं कि अब आपने पढ़ा विश्लेषणार्थ के बाद आपने पढ़ा कि जो है मनोविज्ञानार्थ, यानी कहते हैं कि मनोविज्ञानम, कहते हैं कि मनोविज्ञानात तार्किक प्रति, यानी कहते हैं कि मनोविज्ञान, कह रहे हैं मनोविज्ञान से तार्किक की ओर। ये कह रहे हैं मनोविज्ञानात तार्किकम प्रति, कहते हैं कि मनोविज्ञानात तार्किकम प्रति, मनोविज्ञान तार्किकम प्रति, यानी मनोविज्ञान से तार्किक की ओर। अभी हमें व्याख्या नहीं कर रहे हैं, मतलब क्या पढ़ना है मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम अगले कल मैं आप लोग को इसका संक्षेप में व्याख्या बताते हुए, और परीक्षा नज़दीक है इसलिए मैं आपको वो जरूरी चीज़ बताएंगे जो आपको लिए लाभप्रद होगा। तो उसके बाद जो है अनुभवो तर्क प्रति, अगला पॉइंट है अनुभवो तर्क प्रति, अनुभवो तर्क प्रति, कहते हैं कि अनुभवो तर्क, करें तर्क प्रति, कहते हैं कि अनुभव से तर्क की ओर, यानी अनुभव से तर्क की ओर, यानी कहते हैं अनुभव से तर्क की ओर। अब आगे, अब हम इसके आगे, अब ये था शिक्षण सूत्र, जितना आपको हमने बताया था ये शिक्षण सूत्र था। अब हम इसके आगे बताएंगे शिक्षण विधि, शिक्षण करें कि शिक्षण की विशेषताएं। अभी शिक्षण की विशेषताएं कहाँ गया, अच्छा
अब इसके बाद आपने शिक्षण सूत्र पढ़ लिया और शिक्षण विधि की विशेषताएं क्या है ये एक हेडिंग होगा, मैं नेक्स्ट टाइम आपको बताएंगे कि ये जो है शिक्षण विधि विधेय है, शिक्षण विधि विशेषताएं, यानी शिक्षण विधि की विशेषताएं क्या है इसके, एक ये भी इम्पोर्टेंट है सीटेट में। और उसके बाद हम चलते हैं कि अब आपने पढ़ लिया शिक्षण विधि, अब शिक्षण सूत्र आपने पढ़ा, शिक्षण विधि की विशेषताएं क्या हैं उसका, उसको हम लोग जान लिए। अब उसके बाद हम देखते हैं कि शिक्षण विधि, आप अपने शिक्षण करें शिक्षण सूत्र पढ़ा है लेकिन अब आप पढ़ेंगे शिक्षण विधियाँ। देखिए जितना बता रहे हैं उतना आप लोग पढ़ लेंगे तो सीटेट में शिक्षण में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे, यदि नहीं इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते। कह रहे हैं कि अब उसके बाद शिक्षण सूत्र पढ़ लिए तो हम पढ़ते हैं शिक्षण विधि। अभी तक हमने शिक्षण सूत्र ने क्या पढ़ा, अभी अब ध्यान रखिए मैंने ये पढ़ा शिक्षण क्या है, शिक्षण सफल यानी शिक्षण को सफल कैसे बनाया जाता, उसमें विधि प्रविधि और तकनीक क्या हम यानी तकनीकी मैंने पढ़ा, शिक्षण सूत्र पढ़ा, शिक्षण शिक्षण सूत्र और शिक्षण सूत्र की विशेषताएं, और अब हम पढ़ रहे हैं अब थोड़ा सा जानकारी लेंगे शिक्षण विधियां, शिक्षण से विधेय है, इसको संस्कृत में यदि देखा जाए तो कहेंगे शिक्षण विधिया, यानी कह रही है कि शिक्षण से विधिया। तो इसमें इस कह रहे हैं कि शिक्षण विधि त्रय रूपम भवती, कहते हैं शिक्षण विधि त्रय रूपम भवती, यानी शिक्षण विधियाँ तीन रूप होते हैं। और कहते हैं कि एक प्राचीन विधि है और जिसको मौलिक विधि भी कहा जाता है, और एक आपका नवीन विधि है जिसको अर्वाचीन विधि भी कहा जाता है, और एक नवीनतम विधि है। कह रहे हैं कि ये तीन विधि हैं, कह रहे हैं शिक्षण विधि का तीन विधि हैं, कौन कौन सा विधि, प्राचीन विधियाँ, प्राचीन विधियाँ, अब इसी को अगर देखा जाए दूसरे नाम से भी मौलिक विधि भी कहते हैं इसको, मौलिक विधि भी कहते हैं। अब उसके बाद आता है नवीन विधि, दूसरा है नवीन विधि, नवीन विधि ये इसको अर्वाचीन विधि भी कहा जाता है, अर्वाचीन विधि कहा जाता है, एक आता है नवीनतम विधि, तीसरा है अंतिम अंतिम है और नवीनतम विधि। विधया भी कर सकते हैं, विधि भी कर सकते हैं, जो भी आप कह रहे हैं कि विधया भी लिख लीजिए, रहने दीजिए विधया, विधया। अब कह रहे हैं कि इसके बाद जो है अब प्राचीन विधि और मौलिक विधि को अगर उसमें पॉइंट देखा जाए तो ये जो है इसके ये बहुत ही प्राचीन विधि कह रहे हैं कि प्राचीन भी ब्रिटिश शासन काले पूर्वे शिक्षण विधि प्राचीन विधि कथ्यते, कहते हैं कि यह जो ब्रिटिश काल के पूर्व प्रचलित शिक्षण जो विधि थी उसी प्राचीन विधि से इसीलिए इसको प्राचीन विधि कहा जाता है। प्राचीन विधि दो प्रकारम भवती, यानी कह रहे हैं कि प्राचीन विधि दो प्रकार के होते हैं, ये जो प्राचीन विधि है ये प्राचीन विधि दो प्रकार की होती है, दो प्रकार कौन कौन से हैं, पाठशाला विधि कह रहे हैं, पहला है ये पाठशाला विधि और दूसरा है पाठशाला विधि, दूसरा है व्याकरण अनुवाद विधि। कह रहे हैं व्याकरण अनुवाद विधियाँ,
ये है, कह रहे हैं कि ये नवीन प्राचीन विधियाँ और ये प्रशिक्षण विधि का जो सबसे पहले विधि है, जो ब्रिटिश काल के पूर्व ही ये शिक्षण विधि प्रचलित था और उसी विधि को जो ब्रिटिश काल के पूर्व ही जो ये विधि प्रचलित था, इसीलिए इसको प्राचीन विधि का नाम दिया गया। और प्राचीन विधि की दो प्रकार है, कह रहे हैं कि प्राचीन विधि दो प्रकारम भवती, यानी प्राचीन विधि दो प्रकार की होती हैं, एक पाठशाला विधि है और एक व्याकरण अनुवाद विधि है। तो हम ऐसे क्रमशः इस प्राचीन विधि को पढ़ते हुए चलेंगे, अभी नहीं, आज नहीं, आज मैं सिलेबस पूरा बता दे रहा हूँ क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो पाठशाला विधि को अगर हम लेंगे तो सबसे पहले हम पाठशाला विधि को लेते हैं। पाठशाला विधि को अस्मिन शिक्षण पद्धते कक्षा कक्षे विषय वस्तु अधो लिखताम अस्थि, यानी अब कह रहे हैं कि पाठशाला का भी कह रहे हैं कि कई भाग है, मौखिक का कह रहे हैं, मौखिक परायण वाद विवाद, और कह रहे हैं कि वाद विवाद है, और वाद विवाद प्रश्न उत्तर और सूत्र विधि, कथा कथन विधि और भाषण विधि, व्याख्या विधि, ये पाठशाला विधि के माध्यम से ही बताया जाए, इसके अकॉर्डिंग आता है, इसके में पाठशाला विधि में आता है। इसको हम व्याख्या करते समय आपको जब क्रमशः पढ़ाएंगे तो आपको क्रमशः इसका व्याख्या परिभाषा जितने भी इसके अंदर आते हैं अंतर्निहित जो आते हैं उसको हम आपको बताएंगे आगे। और उसके बाद आते हैं जैसे मौखिक विधि हो गया। अब इसी पाठशाला में कह रहे हैं कि इसी पाठशाला में से क्या सबसे पहले आता है मौखिक विधि, ये मौखिक विधि। अब इसी कड़ी में आता है कि परायण विधि। ये शब्द आपको बहुत ही परायण विधया, ये शब्द बहुत प्राचीन शब्द है जो प्राचीन पद्धति में, प्राचीन काल में जो है, जो प्राचीन विधियाँ था, पाठशाला विधियाँ था, पाठशाला का ही ये भाग है और पाठशाला के जो अंग है ये मौखिक विधि है और परायण विधि है। और परायण विधि के नाम, परायण विधि का आपको ऐसा लगता होगा कि परायण का अर्थ क्या होता है, परायण का मतलब होता है बार बार, कहते हैं कि परायण का मतलब होता है परायण सार्थ बारम बारम पाठम भव कह रहे पठती, यानी कह रहे हैं कि बार बार पाठ करना इसका अर्थ होता है। और कह रहे हैं कि उसके बाद इसमें आते हैं, अगला है वाद विवाद। वाद विवाद विधिया, और उसके बाद है वाद विवाद के बाद जो है आपका कह रहे हैं कि वाद विवाद, ये तीनों में, अभी इन तीनों पाठशाला विधि में ये तीनों को आपको पढ़ना है। और उसके बाद जो है आप चलेंगे, इसके बाद आप चलेंगे शिक्षण विधि हो गया। अब इसमें के बाद आप चलेंगे गद्य शिक्षण, गद्यात्मक यजुहु, यानी कहते हैं कि गद्य शिक्षण चलेंगे। अब इसके बाद गद्य शिक्षण के बाद आप पद शिक्षण चलेंगे, और पद शिक्षण के बाद आप चलेंगे नाटक शिक्षण चलेंगे, नाटक शिक्षण के बाद आप चलेंगे कथानक शिक्षण, और उसके बाद व्याकरण शिक्षण, उसके बाद अनुवाद शिक्षण, उसके बाद संस्कृत शिक्षण, उसके बाद आपको कौशल पढ़ाया जाएगा जो सीटेट में। इतना था आपका सिलेबस और इसने आपको हमने बता दिया। अब अगली बार